दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और जडेजा को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वार्म अप मुकाबले में रोहित शर्मा ने 4 विकेट गिर जाने के बाद मुश्किल वक्त में जड़ा शतक, लेकिन फिर भी भारतीय टीम आ गई हारने की कगार पर। तब सूर्य कुमार यादव और जडेजा ने मिलकर अंतिम ओवर में सभी के होश उड़ा देने वाले वो 4 छक्के जड़कर ऐसे पलटा हारा हुआ मुकाबला की देखकर पूरा भारत मनाने लगा जश्न। तो दोस्तों आखिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वार्म अप मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा और विराट कोहली में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम पर रोमांचक वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहां इस मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और यहां पर न्यूजीलैंड की टीम का यह फैसला कई हद तक सही भी साबित हुआ, क्योंकि यहां उन्होंने 50 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 321 रन बना दिए थे और भारतीय टीम के सामने लक्ष्य रखा 322 रन का। हालांकि दोस्तों किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यह मुकाबला अंतिम ओवर तक जाते जाते इतना रोमांचक हो जाएगा कि हदें सब पार हो जाएंगी। हुआ ये कि जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी थी तो यहां पर उनकी तरफ से रचिन रविंद्र और डेवॉन कॉनवे ने पारी की शुरुआत की, जहां दोनों बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी इस दौरान निभाई। हालांकि इस बीच पहला बड़ा झटका रचिन रविंद्र के रूप में न्यूजीलैंड की टीम को लगा और ये झटका भी किसी और ने नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह ने ही दिया था और 46 रन बनाकर रचिन रविंद्र आउट हुए। तो वहीं रविंद्र के आउट हो जाने के बाद उतरे केन विलियमसन, जहां केन विलियमसन और डेवॉन कॉनवे ने फिर पारी को संभालने की कोशिश की और इस दौरान डेवॉन कॉनवे का शतक भी पूरा हो गया। और वो अपने शतक को पूरा करने के बाद जब 109 रन पर नाबाद खेल रहे होते हैं तभी उस दौरान कुलदीप यादव ने उनको अपनी फिरकी में फंसा लिया और 109 रन पर डेवॉन कॉनवे का विकेट गिरा, जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं डेवॉन कॉनवे के आउट हो जाने के बाद उतरे डैरिल मिचेल, जहां डैरिल मिचेल भी शानदार फॉर्म में नजर आए, लेकिन इस दौरान केन विलियमसन ने 76 और वहीं डैरिल मिचेल ने 53 रन की पारी खेली। और यहां पर न्यूजीलैंड की टीम के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने अभी भी हार नहीं मानी थी। यहां पर टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभाला और यहां पर टॉम लैथम ने अंत में जाकर 35 रन बनाए, जिसके बलबूते पर न्यूजीलैंड की टीम अपने 5 विकेट गंवाकर 321 रन बना पाने में कामयाब हो सकी और भारतीय टीम के सामने 322 रन का लक्ष्य रख दिया। और वहीं आपको बताते चलें कि भारत के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट इस मुकाबले में कुलदीप यादव के नाम रहे, तो एक एक विकेट जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को मिला। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की और भारतीय बल्लेबाजों से पूरा देश उम्मीद भी लगाए बैठा था कि यहां पर कुछ तो नया होने वाला है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि आज मुकाबला ऐसा फंस जाएगा कि भारतीय टीम हार की कगार पर पहुंच जाएगी। हुआ ये कि कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बजाय सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ईशान किशन और शुभमन गिल के हाथों में थमाया। वो देखना चाहते थे कि हमारा ऊपरी क्रम कैसे बल्लेबाजी कर सकता है। यहाँ पर ईशान किशन पहली गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन के अंदर आती हुई पर आउट हो गए और यहाँ पर पहला विकेट बिना कोई रन बनाए भारत का गिर चुका था। और फिर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे सुरेश अय्यर और यहाँ पर सुरेश अय्यर मात्र 2 रन ही बना पाए और उनका भी विकेट गिर गया। और दोस्तों ये 2 बड़े झटके भारतीय टीम को 10 रन के कुल स्कोर पर ही लग चुके थे और भारत की टीम अब काफी ज्यादा दबाव में थी। अब रोहित शर्मा कप्तान को बतौर अपनी भूमिका अदा करने के लिए मैदान पर आना ही था, इसलिए वो शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए अब उतरे, जहां रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पूरा मैच पलट कर रख दिया। जी हां दोस्तों, यहां पर शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक मात्र 28 गेंदों में पूरा कर लिया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपनी इस पारी को बड़ी पारी में बदल नहीं पाए और 53 रन बनाकर वो आउट हुए। तो वहीं शुभमन गिल का विकेट गिर जाने के बाद उतरे विराट कोहली, जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच अच्छी साझेदारी हो रही थी। इस दौरान रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा करके शतक की और कदम अपने आगे बढ़ा दिए थे, लेकिन यहां पर विराट कोहली जो कि 44 रन पर खेल रहे होते हैं उनको मैट हेनरी ने अपने जाल में फंसा लिया और कोहली यहां पर 44 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम के अब 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। हालांकि अभी भी रोहित शर्मा मैदान पर टिके हुए थे और अब उनका साथ निभाने के लिए कोई और नहीं बल्कि हम सभी के चहेते सूर्य कुमार यादव आए, जहां रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम को जीत के बेहद ही नजदीक पहुंचाया और इस दौरान रोहित शर्मा का भी शतक पूरा हो गया। और रोहित शर्मा अपना शतक पूरा करने के बाद रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, उन्होंने छक्के चौकों की झड़ी लगा दी और यहां 125 रन बनाकर वो नाबाद खेल रहे होते हैं, लेकिन वो बाद में फैसला करते हैं कि अब ये मुश्किल जिम्मेदारी मैं अपनी टीम पर सौंपूंगा कि वो यहां से हमें मैच वार्म अप कैसे जिताती है, और इसीलिए रोहित शर्मा रिटायर्ड हार्ट हो गए और 125 रन पर उनकी पारी यहीं समाप्त हुई। अब दोस्तों रोहित शर्मा के बाहर जाने के बाद उतरे रविंद्र जडेजा और रविंद्र जडेजा पर पूरे देश की आंखें टिकी हुई थी कि
आखिरकार जडेजा आज मैच को पलट पाएंगे या फिर नहीं। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव और रविंद्र जडेजा जैसे तैसे करके भारतीय टीम को अंतिम ओवर में ले जा पहुंचते हैं और भारत को अंतिम 6 गेंदों में जीतने के लिए 23 रन की दरकार होती है। अब अंतिम ओवर करवाने के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम और केन विलियमसन यह फैसला करते हैं कि ये ओवर मिचेल सैंटनर को थमाया जाएगा। और दोस्तों मिचेल सैंटनर जब गेंदबाजी के लिए आए तो यहाँ पर मिचेल सैंटनर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट लगाने की कोशिश तो करते हैं वो, लेकिन लगा नहीं पाते। अब अगली गेंद पर सूर्य कुमार यादव आगे की तरफ छक्का जड़ देते हैं और फिर तीसरी गेंद पर जो कि मिचेल सैंटनर ने वाइड लेंथ की डालने की कोशिश की उस पर भी सूर्य कुमार यादव ने अनोखा शॉट लगाते हुए छक्का जड़ दिया। अब भारतीय टीम को अगली 3 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे। अब सूर्य कुमार यादव 1 रन भाग कर रविंद्र जडेजा को जिम्मेदारी थमा देते हैं क्योंकि अब भारत को जीतने के लिए 2 गेंदों में 10 रन चाहिए थे और जडेजा को भी अगर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना था तो उनको यहाँ पर ये 2 बाउंड्रियां लगाना भारतीय टीम को जिताने बराबर समान था। और इसीलिए रविंद्र जडेजा ने 5वीं गेंद को सही से भापा और उन्होंने लेग साइड की तरफ फ्लिक कर दिया जिसके चलते यहाँ पर रविंद्र जडेजा को चौका मिल गया। अब 1 गेंद पर भारत को जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। टीम इंडिया दबाव में थी, किसी को नहीं पता था कि भारत मैच जीतेगा या फिर नहीं, लेकिन जडेजा अपने मन में जानते थे कि वो पहले ऐसा कारनामा कर चुके हैं और भी मैचों में, इसलिए उन्होंने सामने की तरफ मिचेल सैंटनर की गेंद पर शॉट लगाकर भारतीय टीम को अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर जीत दिलाई और डीप मिड विकेट की तरफ ये शॉट जाते हुए काफी अनोखा लगा और भारतीय टीम ने इस मैच को भी जीत लिया। और इस दौरान भारत की तरफ से जडेजा ने 46 रन बनाए तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने 52 रन बनाकर टीम इंडिया को मैच जिताया और भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी दोस्तों अब आप सभी क्या मानते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वार्म अप मैच के बारे में और आप किस भारतीय बल्लेबाज को 10 में से 10 नंबर देना चाहोगे, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा को या फिर सूर्य कुमार यादव को? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।